Hey kids, this is Adiba, your educator in Alpha Learning Classes. In today's session, we have to deal with the chapter Triumph of Surgery, which is taken from your NCERT footprint book. The author of this chapter is James Herriot, but James Herriot wasn't his pen name. Now, his actual name was James Alfred Witt. James Herriot was a British veterinary surgeon and writer who born in October 1916 and died in February 1995. He used his many of year experience as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and its owner. He is best known for his autobiographical work, If Only They Could Talk, okay, published in 1970. James Herriot, this book have been adapted for many films and televisions. Now, the chapter is a Triumph of Surgery. Okay, what is the meaning of triumph? Triumph means victory. Okay, and surgery, आपको पता ही है. अब देखते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मीनिंग क्या होगा. बेटा ये लेसन में ना कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. अभी लेसन है किसके बारे में हम देखते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. अभी हम पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा. इसमें एक पैट है, डॉग, ठीक है. अब देखते हैं उसकी सर्जरी कैसे होती है. ये सर्जरी वो वाली नहीं है जो मेडिकेशन और ऑपरेशन वाली होती है, उस टाइप की सर्जरी नहीं है. अब जो जेम्स हैरियट, मैंने आपको क्या बताया, एक वेटरनरी सर्जन है. तो अब वो उसे ठीक करते हैं, बट वो उसे ठीक कैसे करते हैं हम इस लेसन में देखते हैं. और उसे क्या हुआ था उस डॉग को, ये भी इंटरेस्टिंग है. ओके, सो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner, his eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Okay. जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं, जब मैंने, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स है बेटा, रियूमी का मीनिंग क्या होता है, रनी डिस्चार्ज फ्रॉम योर म्यूकस मेम्ब्रेन. जो रनी डिस्चार्ज होता है ना हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के नोज के थ्रू, आईज के थ्रू, उसको बोलते हैं रियूमी. राइटर ये बोल रहे हैं, जब मैंने ट्रिकी को देखा तो वो टाइम मैं बहुत वरी था उसके लिए, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी उसकी. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम ऑन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस. वो कार से जा रहे थे जब उसने ट्रिकी डॉग का नेम है, जब उसने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा. मिस्ट्रेस यहाँ यूज़ हो रहा है मिस्ट्रेस वर्ड ओनर के लिए, मतलब जो डॉग की ओनर थी तो ऑथर ने उसको मिस्ट्रेस बोले हैं. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपियरेंस. वो बोल रहे हैं कि वो जैसा दिख रहा था उसकी अपियरेंस को लेके मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट like a bloated sausage with a leg at each corner. वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. and like a bloated sausage पता है ना, वो hot dog जो आते हैं ना उसके type का एक खाने का होता है, तो उसने उसको उसके जो legs है उसको उससे compare किया है कि वो इतना ज़्यादा फूल गया था कि वो एक सॉसेज की तरह दिख रहे थे. हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आइज रेड हो गई थी और उसकी नोज और आइज में से पानी निकल रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जॉज. और वो स्ट्रेट, वो मतलब सीधा देख रहा था और जो उसकी टंग थी वो बाहर निकली हुई थी. मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्री जो है, किसका नेम है यहाँ, जो डॉग की ओनर है उसका नाम है. मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन, ही वॉज अ लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट
I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meal to build him up. So some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब जो मिसेस पम्फेरी है तो वो एक्सप्लेन कर रही है कि मैं इसे ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं देती हूँ, बस थोड़ा बहुत देती हूँ। वो थोड़े बहुत में ही क्या था ये देखो, और वो क्यों उसे खाने के लिए देती थी ये भी देखते हैं हम। ही वॉज लिसलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मतलब जो उसकी ओनर थी पम्फेरी, उसको ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी के पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उसको ऐसा लगा कि शायद वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील, मतलब वो क्या बोल रही है, खाने के मतलब जब वो खाता है उसके दरमियान में वो क्या देती है उसे, सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल। माल्ट इट्स अ टाइप ऑफ बीवरेज एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक फिश का नेम है तो उसके लीवर से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। वो उसे देती है एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और थोड़ा सा हॉर्लिक्स दे देती है उसे रात में। क्यों? क्योंकि ताकि वो सो सकें। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सब दे रही है पर उसे लग रहा है कि मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं खिला रहा है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू? फिर उसे हैरियट बोल रहे हैं, जो हमारे राइटर है वो उसे बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि इसे स्वीट चीज़ें नहीं देनी है, तो क्या तुमने वो चीज़ें उसे देना बंद करी? अब देखते हैं पम्फेरी का क्या रिप्लाई होता है। ओह आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कॉन्ट बियर टू रिफ्यूज हिम। उसने क्या बोला कि मैंने कुछ टाइम के लिए उसे ये सब चीज़ें देना बंद किया, बट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बेटा रेलेंट, उसका मीनिंग होगा शो मर्सी। ओके, शो मर्सी, अगर नोट करना होगा आप कर लो। सो वीक आई हैड टू रिलेंट, तो फिर मतलब मुझे उसे ये सब चीज़ें देनी पड़ी। अब वो क्या कह देती है, ही डज लव आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, हैरियट बोल रहे हैं मैंने फिर से उस डॉग मतलब नीचे देखा उस डॉग की तरफ। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। वो बोल रहा है कि जो ट्रिकी का फॉल्ट है वो सिर्फ ग्रीड है, उसकी लालच है खाने को लेके। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल अ स्मॉल मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फेरी हैडंट मैंशनड। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रिकी है उसकी सिर्फ एक फॉल्ट है, उसका फॉल्ट क्या है, उसे जो खाने के लिए दो वो खाने के लिए कभी हम रिफ्यूज़ नहीं करता है, मना नहीं करता है। उसे आप दिन भर में अगर दो तीन बार भी दोगे, हर घंटे भी उसे खाना दोगे तो वो खा लेगा। ओके, वह ऐसा बोल रहे हैं, और उसमें ऐड करते हुए हैरियट और क्या बोल रहे हैं, शायद से ट्रिकी और भी ज़्यादा चीज़ें खाता है जो कि मिसेस पम्फेरी ने मुझे मेंशन नहीं किए, मुझे नहीं बताई है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर उसे हैरियट पूछने लगी कि तुम इसे एक्सरसाइज देती हो, मतलब इसे एक्सरसाइज रोज़ करवाती हो। अब देखते हैं मिसेस पम्फेरी का क्या रिप्लाई होता है। वेल He has a little work with me as you can see, but Hodkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Okay, वो बोल रही है जैसे कि आप देख रहे हो मैं इसे थोड़ी बहुत वॉक के लिए लेकर निकल जाती हूँ, बट जो मेरा गार्डनर है, गार्डनर का नाम क्या बताया, Hodkin, ठीक है, वो कहाँ से सफ़र कर रहे हैं, लंबेगो, उसका लंबेगो इज़ अ टाइप ऑफ मस्क्यूलर पेन जो हमें बैक के लोअर पार्ट में होता है, ठीक है, बैक के लोअर पार्ट में जो होता है उसे बोलते हैं लंबेगो, जो पेन होता है उसे बोलते हैं लंबेगो। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, वो
इसी वजह से वो नहीं आ रहा है और वो अभी जो रिंग फेंकने वाला गेम होता है तो वो नहीं खेल रहा है. सो आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. थोड़ा स्ट्रिक्टली जो हैरियट थे उन्होंने मिस्टर पम्फ्रे को थोड़े स्ट्रिक्टली बोला. क्या बोला? नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम इसका खाना पीना थोड़ा कम नहीं करूँगी तो और एक्सरसाइज उसे नहीं दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है. तुम्हें अपना दिल को थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा. यू हैव टू हार्डन यूर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना है. ओके मिस्टर पम्फ्रे, रंग हर हैंड. ओके मिस्टर पम्फ्रे, रंग WRUNG रंग, इसका मीनिंग होता है हवा में हाथ हिलाना. मिस्टर पम्फ्रे, रंग हर हैंड. ओह आई विल. मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. सो शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. जैसे ही मिस्टर हैरियट ने उसे बोला कि तुम्हें इसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना है नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा, तो मिस्टर पम्फ्रे बोलने लगी येस श्योर, मतलब अब सही में मैं इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखूँगी, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसके लिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो शी सेट ऑफ, वो वहाँ से मतलब से निकलने लगी नीचे मुंडी करके, और उसको देख के ऐसा फील हो रहा था कि अब वो जाकर उसका न्यू रिजीम बनाएंगी ट्रिकी के लिए. ठीक है, रिजीम का मीनिंग होता है बेटा, लिख लो रिजीम का मीनिंग, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट. ओके रिजीम जो कि प्रिस्क्राइब कोर्स होता है डाइट और एक्सरसाइज का. तो वहाँ से वो नीचे मुंडी करके जाने लगी और उसे देख के ऐसा फील हो रहा था कि अब वो मतलब सही में समझ गई है कि ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज. ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. I thought I wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. अब वो क्या बोल रहे हैं? Tricky was tottering, मतलब वहाँ पे जो राइटर थे ऑथर वहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे जब Mrs. Pomfrey Tricky को लेकर जा रही थी. वो क्या बोल रहे हैं कि जो Tricky था वो एकदम अपने ट्वीट कोट में ऐसा लड़खड़ा के चल रहा था. टॉटरिंग मतलब अनस्टेबली जो चलते हैं ना उसे बोलते हैं, लड़खड़ा कर चलना. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट उसके पास, और वो एडिशनली वो क्या बता रहे हैं, उसके पास ऐसे कोट्स की बहुत ज़्यादा पूरा मतलब वार्डरोब भरा हुआ है उसका. उसमें कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट है, अलग कोट्स है, रेन कोट्स है वेट डेज के लिए. ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग हिज हार्नेस. वो इतना हार्नेस जो डॉगी के गले में बेल्ट लगा हुआ होता है ना, जो भी उसे बोलते हैं जो स्ट्रिप लाइक होता है उसे हार्नेस बोलते हैं. ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वो मतलब उसकी बॉडी नीचे तक के लटक रही थी. आई थॉट आई वुडन बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. वो क्या सोच रहा है कि अब कुछ टाइम में ही मुझे मिसेस पम्फ्रे का कॉल आएगा. ठीक है, अब क्यों आएगा वो देखते हैं. द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग एंड पेंटिंग. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. ठीक है, अभी हम देखते हैं डिस्ट्रॉट. इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना, मतलब एक्सट्रीमली वरीड. लिख लो वहाँ पे
और क्या है यहाँ पे, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब वो शॉर्ट थोड़े थोड़े टाइम में वोमिट कर रहा था इन अ शॉर्ट स्पेल. एंड रग, रग का मीनिंग होता है कारपेट, रग का मीनिंग कारपेट. एंड पेंटिंग इज अ शॉर्ट ब्रीथिंग, थोड़ी थोड़ी सांस लेना, हल्की हल्की सांस लेना, मतलब जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो वो जैसे सांस लेते हैं उसे बोलते हैं पेंटिंग. हाँ, अब देखते हैं, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जैसा कि ऑथर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसे अब कॉल कुछ ही टाइम में आएगा, तो सच में कुछ दिनों के बाद मिसेस पॉम्फेरी का उन्हें कॉल आता है. अब वो क्या बोल रहे थे वो देखते हैं. और जब उनका कॉल आता है तो मिसेस पॉम्फेरी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉटेड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और वो क्या बोल रही है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, और जो उसके फेवरेट डिशेज है ना वो उसको भी खाने से मना कर रहा है. एंड बिसाइड ही हैड स्पाउट ऑफ वोमिटिंग, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में वो वोमिट कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन लेइंग रग, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ बिता रहा है, लेइंग रग मतलब कारपेट के ऊपर पड़ा हुआ रह रहा है, लेटा रह रहा है. एंड पेंटिंग, और धीमी धीमी सांसें ले रहा है. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ना ही वॉक के लिए जा रहा है वो, और ना ही उसके अलावा और कुछ कर रहा है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से ही रेडी करके रखा था, इन एडवांस उसे पता था, उन्हें पता था कि ऐसे कुछ सिचुएशन आने वाली है, इसी वजह से इस सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए उन्होंने अपना प्लान एडवांस में ही बना के रखा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्या करना है. वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही वे है, मतलब ट्रिकी को उस सिचुएशन से बाहर निकालने का, कि उसे कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज कर दे, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कर दे. अब वो कितने दिन के लिए है, यहाँ पे देखो फोर्टनाइट, बेटा फोर्टनाइट बोलते हैं 14 to 15 days, इट्स कॉल्ड फोर्टनाइट, अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है. ठीक है, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नूव्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. वो देखो यहाँ पे आ रहा है इस स्वूंड, उसका मीनिंग होगा SWOONED, इसका मीनिंग होता है फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन. ओके, फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो उसको इतना सा मतलब उसको यही फील हो रहा था कि अगर ट्रिकी उससे दूर रहेगा, ट्रिकी उसे रोज़ नहीं देखेगा, वो उससे इतना ज़्यादा अटैच था, अगर उसे ऐसा लगता था अगर ये इससे दूर होगा तो ये मर जाएगा. ओके नाउ, बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pomfrey Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब क्या बोल रहे हैं राइटर कि मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म लाइन. फर्म लाइन का मीनिंग होता है took a decision और determination. उन्होंने ये चीज़ मतलब उन्होंने पहले से ही ये चीज़ decide कर लिया था कि इसे लेकर ही जाना है, वो एकदम डिटरमाइंड थे उसके लिए, क्योंकि अगर से वो उसे नहीं लेके जाते तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी. सो आई थॉट इट बेस्ट टेक टू हिम विदाउट डिले, वो चाहते थे कि उसे जल्दी मतलब बिना डिले करे वहाँ से लेके चले जाएं. फॉलोड बाय मिस्टर पॉम्फ्रे वेलिंग, वेलिंग का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना, WAILING, वेलिंग, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रोना. वो बोल रहे हैं कि जो मिसेस पॉम्फ्रे थी वो रो रही थी, पर मैं उसे ले जा रहा था. ठीक है, वो मतलब जो रो रहे थे उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था राइटर पे, और उन्होंने उसे एक ब्लैंकेट में रैप किया और वहाँ से लेकर चले गए.